मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को इस साल नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। यहां तक चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिटेन ना करने के बाद उन पर बोली तक नहीं लगाई। नीलामी के बाद जब कुछ खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया तो भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई ना कोई टीम इस खिलाड़ी को अपने खेमे में जरूर शामिल कर लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुरेश रैना पर किसी ने भरोसा नहीं जताया। सुरेश रैना के अलावा भी 8-9 ऐसे बड़े खिलाड़ी रहे जिन्हें किसी ने नहीं खरीदा। तो ऐसे में सुरेश रैना आईपीएल 2022 में बतौर खिलाड़ी तो खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री के साथ अहम भूमिका निभाते हुए इस आईपीएल में नजर आएंगे। खबर के मुताबिक सुरेश रैना आईपीएल 2022 में रवि शास्त्री के साथ हिंदी कमेंट्री करते दिखेंगे, यानी सुरेश रैना हिंदी कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे और अपनी आवाज से वो फैंस का इस साल मनोरंजन करेंगे। सुरेश रैना की कमेंट्री टीम में अनसोल्ड रहे पीयूष चावला भी शामिल होंगे, उन्हें भी इस साल किसी टीम ने नहीं खरीदा है। दोस्तों, सुरेश रैना की इस नई भूमिका पर आप क्या कहेंगे? और आईपीएल के 205 मैचों में 5528 रन बनाने वाले मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को किसी टीम की तरफ से नहीं खरीदने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।